días, ¿qué tiene de día mañana, papi? ¿Y de qué tiene de día? हमारे स्ट्रीट पे सब चिल्लाते रहते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते ठीक से और ड्राइंग भी नहीं कर सकते इसलिए हम आर्ट रूम में आते हैं। धारावी से एसोसिएशन अबाउट 1999 से स्टार्ट हो गया और तभी से फिर थोड़ा थोड़ा करके इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुआ। इट डिड नॉट हैव अ स्पेस दैट इट हैज नाउ लाइक ये फिजिकल स्पेस जो है आर्ट रूम वो नहीं था, इट वाज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। पहले हम लोग बस डिपो में, नहीं तो टेंपल में, नहीं तो कम्युनिटी टॉयलेट्स के बाहर जो जगह होती है उधर जाके बच्चों के साथ काम करते थे। अराउंड 2004 या 5 के आसपास हमें लगा कि एक स्पेस कुछ तो मतलब होगा, पार्टनरशिप में होगा तो भी अच्छा है। हमने फिर बहुत सारे ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप में छोटा छोटा रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए स्पेसेस फॉर्म करना शुरू कर दिया था। धारावी एक ऐसा जगह है जिधर स्पेस नहीं मिलता है, लाइक एवरी लिटिल स्पेस इज फिल्ड विद पीपल और जो छोटे छोटे जगहों में भी सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन हैपनिंग वो रियलाइज किया हमने और हमने सोचा कि एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जो एक सेफ स्पेस रहेगा सबके लिए, जिधर आने से वो लोग को 100% श्योर हो सकते हैं कि कोई उधर उनको अब्यूज़ नहीं करेगा, लाइक वर्बली हो या फिजिकली हो या सेक्शुअली। पहले से हम लोग आर्ट और फोटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग इसी मीडियम के साथ ज़्यादा काम कर रहे थे, पर इस मीडियम को उस लेवल पे लेके जाना था कि इट इज़ नॉट ओनली पेंटिंग और ड्राइंग, पर उसके अलावा भी ज़्यादा है, मतलब इसमें से बहुत सारी और चीज़ें हो जाती है, जैसे उनकी जो खुद का आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ जाता है, एक्सप्रेस करने की हैबिट उनको ईजी पड़ जाती है। मैं खुद भी सिमिलर बैकग्राउंड चाहता हूँ, मम्मी के साथ बड़े हुए, सिंगल पेरेंट फैमिली था, इकोनॉमिकली डिफिकल्ट सिचुएशन था। मेरे को आर्ट रूम में आने इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अगर मैं घर पर रहूँगा तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं हॉस्टल में हूँ यहाँ पर रहूँगा तो ऐसा लगता है यही मेरा घर है। यहाँ पर पेंटिंग बनाने को भी बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ एक साल से आ रहा हूँ और यहाँ पर मेरे घर पर ज़्यादा करके सब दारू पी के झगड़ा करते हैं, इसीलिए वहाँ पर हम लोग खेल नहीं पाते, इसलिए आर्ट रूम में आके हम लोग मस्ती करने मिलता है, फुल इंजॉय हम लोग इंजॉयमेंट करते हैं, हर बार पिकनिक जाते हैं अलग अलग जगह पे। मुझे बहुत अच्छे अच्छे खाने समझती है, बहुत मस्ती करती है, मुझे घर पे कुंभ करने को आता हूँ, बहुत बोरिंग लगता है। आर्ट रूम वाली ड्राइंग बनाने की जगह नहीं, दोस्त बनाने की भी जगह है। Almost instantly the kids start becoming friends with each other. That is like a major change because what happens in Dharavi is like they like live in these hamlets which are like regional or which are like religious groups who are like staying together. So you see like a Tamil speaking like hamlet and then there is like a Christian hamlet. All of these communities don't really like break that barrier and come together and like become friends and all. अंकित जॉइनिंग इन द लास्ट लाइक 3 इयर्स 4 इयर्स तो बहुत सारी चीज़ें और सीरियस लेवल पे भी हमें बात करना शुरू की, जेंडर के बारे में है। गर्ल्स कम हियर एंड बिकम मोर वोकल एंड बिकम मोर इंडिपेंडेंट। सैडली वंस दे रीच द एडोलेसेंट एज दे ड्रॉप आउट इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम द आर्ट रूम बिकॉज़ like their parents don't let them come to the art room so very often because they have like responsibilities at home, chores to finish, take care of the siblings etc. क्योंकि मेरी मम्मी बोलते हैं वो कर ये कर वो कर ये कर और बोलते हैं कि बाहर जाके वो लेके आ ये लेके आ, इसके लिए मुझे गुस्सा आता है मेरी मम्मी को, मैं बोलती हूँ मैं नहीं जाऊँगा फिर भी मेरी मम्मी डांटती है मुझे। मम्मी बोलती है पानी भरो तो फिर कपड़ा धो फिर बर्तन धो, मैं मुझे कुछ भी नहीं करती भाग जाती हूँ। Therefore, we have started to like formulate this program whereby we reach the girls in their schools themselves and have like a period allocated to art room so that you know girls don't have to face the risk of like not doing their homework and then by homework I mean housework also and coming to the art room which will put them at a risk. So we thought that since they like art room so much but they are being restricted to come, like we should go to them and reach out to them. मुझे घर पे से अच्छा इधर अच्छा लगता है, इधर शांत रहता है, ड्राइंग करने में मज़ा आता है, बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है मुझे।
especially for the male children, like the boys, they have this option of stepping out of this like toxic masculinity. You have to be like extremely masculine, you have to protect others, you have to beat people up if you are outside. And if you don't do that, if you don't participate in that, then you are a sissy. जब इधर आते तो शांति रहती, तो इधर अच्छे से हम लोग ड्राइंग कर पाते हैं. ये ड्राइंग करना अच्छा हार लगता है. और अभी इस बार गिटार भी शुरू हुआ है और ड्रम भी. एकदम साइलेंस रहता है और यहाँ पे हमें पिकनिक जाते हैं हर मंथ में. और यहाँ पे हमें थिएटर्स कराए जाते हैं और गिटार सिखाए जाते हैं म्यूजिक के. लोगों को अभी तक कन्विंस करना डिफिकल्ट होता है कि सिर्फ आर्ट क्यों करेगा सिर्फ इसी मीडियम के दौरान. अभी भी सबको लगता है कि इंग्लिश पढ़ाओ या फिर कंप्यूटर्स पढ़ाओ तो उनको लगता है कुछ तो लाइफ में चेंज होगा. लेकिन इसको अभी तक इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है. इट्स सैड थिंग. बट जबकि बहुत सारे बार सिर्फ चित्र बनाते हैं उसके बाद बच्चे बहुत सारी चीज़ें उसमें से बताते हैं. एकदम शाये वाले बच्चे भी बात अच्छे से करते हैं. मैं खुद को मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो बिकॉज आई कुडंट टॉक बिफोर अभी तो मैं बैठ के बात कर सकता हूँ. तो एंड देन स्लोली वो भी था कि दे ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आसपास क्या है उनके और उनके बारे में खुद के बारे में भी उनको. तो इवन इनफैक्ट अभी जो हमारा सिलेबस है इट्स डिज़ाइंड इन अ मैनर कि वो लोग अपने खुद के बारे में सब्जेक्ट्स मैटर के ऊपर और आसपास की चीज़ें फैमिली है घर है खाने वाली चीज़ें हैं प्लेइंग स्पेसेस हैं कम्युनिटी हीरो है तो इन सब चीज़ों के बारे में भी वो लोग जानना शुरू करते हैं. जब उस चीज़ के बारे में पेंटिंग बना रहे हैं उस चीज़ के बारे में कुछ कभी लिख के कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं कभी फोटोग्राफ्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं. Like I mentioned, we started it in Dharavi first because like so many things are changing and then we noticed that you know like the storytelling like about Dharavi, Dharavi kaisa hai, Dharavi ke log kaise rehte hai, this kind of information that goes to the outside world is usually done by an outsider, like the insider's perspective was lacking. So we thought that art can only be the medium which can like break this and then represent people from Dharavi so that their stories are also communicated to the world outside. And we also want to like go to neighborhoods which are also under a lot of stress and are undergoing forceful change. We intend to start something next year in Mankur and in somewhere in Andheri. Yeah, so that is our plan in the future for which we have started training kids who used to like come to the art room while they were bachas and now they've become older, they are 18 years old and we're training them to become teachers so that they can take ownership of the space. Bye-bye. Bye-bye.